सीएमएसए का पूरा नाम कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसे हिंदी में समुदाय आधारित संवहनी कृषि भी कहते हैं। इस पद्धति में समुदाय के किसानों की आपसी भागीदारी से कृषि के कार्यों को प्राकृतिक उर्वरक एवं जैव कीटनाशक दवाओं के उपयोग से किया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ती है, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। इन पद्धतियों में बताए गए जैविक उत्पादों के माध्यम से पौधों को लगभग 16 तत्वों की पूर्ति हो पाती है, क्योंकि इसे बनाने में हरे पत्ते, गाय के गोबर, गौमूत्र इत्यादि का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमारे किसानों को इनके महंगी रासायनिक खाद एवं दवाओं में होने वाले खर्चों में भी कमी आती है। सबको राम राम। मां नाम कांता देवी, मारा गांव को नाम रजवास। मारा पास 2 बीघा जमीन छे और 2 बीघा सोई पूरा परिवार को पालन है। मारा समूह का नाम गरीब स्वयं सहायता समूह है। बडोरण ले और वो खुदाई वो खुदा वासु मारा नरो लाभी। सीएमएस सीआरपी आए थे तो श्री विधि का गऊ बता गए थे और हमारे से 36x36 का किचन गार्डन बता के गए थे। भाई श्री विधि गऊ सु बहुत फायदा या 1 बीघा खेत में पहले तो 30 किलो लागो छो और अब 2 किलो बीज लागो छ और फुटान भी खूब हो छ और बढ़िया पैदावार हो। एक बार तो जुताई करा जा, जुताई कर और फिर नाडे कंपोस्ट और गण जीवा हमारा डाला जा। कीटे से बचने के लिए सफेद और पीली बोतल लगा दिया और निमास्तर को भी साथ में कीटों से बचने के लिए छिड़क दिया। 2-2.5 महीना बाद में 2-2 पौधा लगाया था, 2-2 बीज लगाया था। 2-2 बीज के मायने 20-20, 25-25 फुट आने थी एक एक पौधा में, एक एक बीज में। 36x36 का किचन गार्डन लगाया और उसमें बैंगन, टमाटर, मर्चिया, धनौर, लहसुन, गाजर, मूली और मेथी बाजार से बेचा तो 25,000 को मन फायदो मिलो। सीएमए से हमने खेती किए तो खेती के बारे में किसान हमारे को पूछने आ गए, भाई आप कैसे खेती किए? तो हम ऐसे बोले, भाई ऐसे खेती किए तो खेती का लाभ तुम्हारे को लिए तो हमारे को भी मिलनी चाहिए। बतावे भी गई थी और वहाँ का खेता पर भी गई थी, भाई ई विधि से खेती भी करो और इस लाभ भी ले। विधि सु गाँव और किचन गार्डन लगाए जाने ज्ञानी आरड़ की और मोपड़ा की खेती कराना।